हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि बीए थ्रेड को कैसे ड्रा किया जाता है, दैट मींस प्रोसीजर टू ड्रा बीए थ्रेड्स। लेट पिच इज इक्वल टू 40 mm। बीए थ्रेड के केस में जो हाइट होती है एच इज इक्वल टू, वो होती है हमारे पास 1.136 मल्टीप्लाई बाई पी, और जब 1.136 को पिच से, दैट मीन्स 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 45.44 mm। ये वैल्यू आ जाएगी हाइट ऑफ थ्रेड की, बीए थ्रेड की हाइट आ जाएगी। इस तरीके की थ्रेड होती है आपकी बीए थ्रेड। ये बीए थ्रेड आपको दिखाई गई है जिसके अंदर ये इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है पिच होती है, और हाइट आप देख रहे हो, जैसे कि हाइट आपको दिखाई गई है कितनी 1.136 पी होती है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस जो होती है ये होती है 0.236 एच। क्या फॉर्मूला होता है, 0.236 एच होती है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस। तो अब हम ड्रा करते हैं कि कैसे ड्रा करेंगे बीए थ्रेड को। तो हमने सबसे पहले पिच ज़ूम कर ली 40 mm, और हाइट कैलकुलेट कर ली जो कि फॉर्मूला था 1.136 इंटू पी, और हमारे पास हाइट आ गई कितनी 45.44 mm। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर लेते हैं अपनी मर्जी से। ये मैंने ओरिजेंटल लाइन एक ड्रा कर ली। ये ओरिजेंटल लाइन ड्रा करने के बाद में हाइट आई थी हमारी 45.44 mm। तो यहां से मैंने 45 mm ये ड्रा कर ली। और इस तरीके से मैंने इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इसके बाद मैं 40 mm के पॉइंट मार्क कर लेता हूं, क्योंकि मैंने पिच जो अज्यूम करी है वो कितनी अज्यूम करी है, 40 mm अज्यूम करी है। तो मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूं, ये फर्स्ट पॉइंट मार्क कर लिया 40 mm पे। इसके बाद ये सेकंड पॉइंट मैंने मार्क कर लिया 40 mm पे, और ये थर्ड पॉइंट मैंने मार्क कर लिया 40 mm पे। ये पॉइंट मार्क कर लिया, और इसके बाद ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। अब इनको वर्टिकली मैं क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ इन पॉइंट्स को। हल्के हाथ से मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। ये मैंने ज्वाइन कर दिया वर्टिकली, यहाँ से
ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन करने के बाद ट्वेंटी एमएम यहां से 20 mm, तो ये 20 mm पे मैंने पॉइंट मार्क कर लिया, फिर यहां से 20 mm पे पॉइंट मार्क कर लिया, फिर यहां से मैंने 20 mm पे पॉइंट मार्क कर लिया। यहां से मार्क करने के बाद इनको भी मैं वर्टिकली क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। सेंटर लाइन की हेल्प से ये मैंने इनको वर्टिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इनको क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ वर्टिकली। इस तरीके से मैंने ये क्या कर लिया, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। और इसके बाद मैं इन पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन करते हुए ट्रायंगल क्या कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। इस पॉइंट को यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, ये ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हमने ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर ली है। इसके बाद यहां से मैं एक हॉरिजेंटल लाइन इस तरीके से ड्रा करूंगा, और वो हॉरिजेंटल लाइन मैंने बताई थी आपको कितनी नीचे ड्रा करनी है। यहां से मैंने बताया था 0.236 टाइम ऑफ एच, और जब 0.236 को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10.72 mm हमारे पास वैल्यू आएगी। तो हम यहां से इस पॉइंट से का मतलब है 10.7 mm लेके हम लाइन नीचे क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे। और इसी तरीके से यहाँ से नीचे से भी मार्क कर लेंगे पॉइंट 10.7 mm पे। इस तरीके से लाइन हमने क्या कर ली, ड्रा कर ली। ये लाइन ड्रा करने के बाद अब हमने देखा था क्या कि जो BA थ्रेड जो होती है उसमें भी जो क्रेस्ट एंड जो रूट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, राउंड ऑफ होते हैं। रूट एंड क्रेस्ट क्या होते हैं बच्चों, राउंड ऑफ होते हैं। तो हम क्या करेंगे, रूट एंड क्रेस्ट को क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करेंगे रूट एंड क्रेस्ट को, तो राउंड ऑफ हम कैसे करेंगे, प्रकार की जो नोक है वो हम इस पॉइंट पे रखेंगे। इस पॉइंट पे प्रकार की नोक रखने के बाद में, और हम प्रकार को कहाँ तक ओपन कर लेंगे, यहाँ तक ओपन कर लेंगे। यहाँ तक ओपन करने के बाद में मैं
प्रकार की नोक को यहीं रख के और नीचे की तरफ इस तरीके से निशान लगा देता हूं, ये, फिर यहां पे प्रकार की नोक को रख के फिर ये निशान यहां लगा देता हूं, फिर यहां प्रकार की नोक को रख के मैं निशान यहां लगा देता हूं, राइट। ऐसे ही इस पॉइंट से निशान मैं यहां लगा देता हूं और इस पॉइंट से निशान यहां लगा देता हूं। अब प्रकार को इतना ही खुला रख के मैं इस पॉइंट जो यहां निशान मैंने मार्क किया था, पॉइंट मार्क किया था, यहां से मैं क्या करता हूं, इसको राउंड ऑफ कर देता हूं, इस तरीके से आर्क लग जाएगी। इसी तरीके से यहां से और सेम इसी पैटर्न पे मैं यहां से इस पॉइंट को क्या कर देता हूं, राउंड ऑफ कर देता हूं, ठीक है। फिर मैं प्रकार की नोक जो हमने ये पॉइंट लगाया था यहां रख के और इस तरीके से मैं यहां से राउंड ऑफ कर देता हूं और सेम प्रोसीजर में फॉलो करता हूं यहां भी। ये राउंड ऑफ करने के बाद मैं क्या कर देता हूं, इन हरेक पॉइंट को क्या कर देता हूं, इन लाइन को आपस में डार्क कर देता हूं यहां से, ये मैंने डार्क कर दी। इस तरीके से मैंने क्या कर दी, इन लाइंस को मैंने क्या कर दिया, डार्क कर दिया और इन जो ये राउंड ऑफ किया था इनको मैं क्या कर दे रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ। इस तरीके से हमारी जो BA थ्रेड है वो ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्ट ओके क्या है, कंस्ट्रक्ट ओके तैयार है। इस तरीके से हमारी BA थ्रेड, और इसके बाद मैं क्या कर दे रहा हूँ, हैचिंग कर रहा हूँ। हैचिंग मैंने बताया था आपको कि 45 डिग्री पे इक्वल स्पेसिंग के साथ हमने क्या करनी है, हैचिंग करनी है। इस तरीके से हम हैचिंग कर देंगे,
इस तरीके से आप हैचिंग करते रहिएगा। इक्वल डिस्टेंस पे 45 डिग्री एंगल पे हम क्या करते हैं, हैचिंग करते हैं। इस तरीके से हमारी बी ए थ्रेड क्या होगी है, कंस्ट्रक्ट होगी है बी ए थ्रेड। और बी ए थ्रेड का जो एंगल मैंने बताया था बच्चों, आपको बताया था कि जो एंगल होता है बी ए थ्रेड के अंदर वो होता है 47.5 डिग्री। तो हम एंगल को मार्क कर देंगे कि 40, ये जो एंगल होता है यही मैंने आपको क्या बताया था, 47.5 डिग्री एंगल होता है। इसके बाद पिच को शो कर देंगे हम, और पिच हमने ली है कितनी, 40 mm। तो पी इज इक्वल टू हम लिख देंगे कितना, 40 mm। इसके बाद हाइट ऑफ थ्रेड, हाइट ऑफ थ्रेड आपने अभी ली, फॉर्मूला आपने देखा था हाइट ऑफ थ्रेड का बी ए थ्रेड के लिए क्या होता है, हाइट ऑफ थ्रेड का जो फॉर्मूला होता है बी ए थ्रेड के लिए वो क्या होता है, 1.136। तो हम यहां मार्क कर देंगे क्या, h इज इक्वल टू 1.136 इंटू पी। और जो ये डिस्टेंस होती है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस बी ए थ्रेड के लिए, वो अभी आपने देखी थी कितनी, 0.236 इंटू एच। तो हम मार्क कर देंगे 0.236 h, ये मार्क कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास बी ए थ्रेड क्या होगी है, कंस्ट्रक्ट होगी है। ये आपकी क्या थी, बी ए थ्रेड। थैंक्स।